बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा टॉपिक है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज़ ECM के अंदर, इमोबिलाइजर के अंदर, BCM के अंदर, क्लस्टर मीटर के अंदर, तमाम जगहों पर इसका यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है? एक्चुअली इसके अंदर एक फाइल रहती है जिसको हम रीड भी कर लेते हैं और उस फाइल को मिटाकर दूसरी फाइल भी डाली जा सकती है। इसके अंदर छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो CPU के अंडर में काम करता है। ECM के अंदर ये अधिकतर 8 पिन की देखने को मिलती है। अब सवाल ये होता है कि इसको हम कैसे पहचाने कि जो 8 पिन की IC है वो EEPROM है या कोई दूसरी IC है या कोई 8 पिन का MOSFET है। कैसे पता लगाएं कि ये EEPROM ही है? तो इसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। मसलन इसकी एक सीरीज होती है, जैसे तो कुछ इस तरीके की EEPROM के ऊपर नंबर पड़े होते हैं, जैसे 24 है, नंबर पड़ा है 24CXX, 24LCXX, जो XX ये नंबर नहीं होता, शुरू का नंबर होता है 24C और आगे जैसे कुछ भी हो सकता है। अब जो 24C आ गया तो इससे आपको एक हिंट्स मिल जाती है कि ये EEPROM है। किसी EEPROM के अंदर 25 हो सकता है, शुरू का 2 डिजिट 25, किसी EEPROM के ऊपर 93 हो सकता है, किसी के ऊपर 95 हो सकता है, शुरू के डिजिट 2, बाद के जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं वो ये बताते हैं कि ये EEPROM कितने साइज की है, कितने KB की है, कितने MB की है, उसके अंदर कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, उसका साइज बताते हैं। लेकिन जो फर्स्ट डिजिट हैं, शुरू के 2 या 3 डिजिट, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस सीरीज की EEPROM है। तो आप इस नंबर को देखकर भी बता सकते हैं कि ये EEPROM है, राइट? EEPROM अमूमन 8 पिन की देखने को मिलती है, होती ही ज़्यादातर 8 पिन की है। हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं, चाहे ECM हो, BCM हो, इमोबिलाइजर हो, तो इसमें ये 8 पिन की देखने को मिलती है। इसमें पिन नंबर जो 1 है, वो पिन नंबर 1 ये मान लीजिए आप, जैसे कि इसके ऊपर लिखा है 95, ठीक है, तो जो 9 बना है उसके सामने वाली जो पिन है ये पिन नंबर 1 मानी जाती है। कुछ EEPROM ऐसी होती हैं, कुछ EEPROM इस तरह की होती हैं कि उनकी पिन नंबर 4 ग्राउंड रहती है। जैसे कौन कौन सी EEPROM है, जैसे 24 सीरीज की EEPROM है, पिन नंबर 4 ग्राउंड होगी। 25 सीरीज की EEPROM है, पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 उसकी ग्राउंड रहेगी, ठीक है। 95 सीरीज की EEPROM है, इसकी पिन नंबर 4 ग्राउंड रहती है। अब अगर आप देखें, कोई एक EEPROM है, ये वाली EEPROM, एक EEPROM इस तरह की है कि इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 93 से स्टार्ट हो रही है, इसकी भी पिन नंबर 1 ये है, 4 पिन नंबर 1 ये है। इसमें पिन नंबर 4 जो होती है वो ग्राउंड नहीं होती, बल्कि पिन नंबर 5 ग्राउंड रहती है, पिन नंबर 5 ग्राउंड रहती है। यहाँ पर अक्सर भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि EEPROM की तो पिन नंबर 4 ग्राउंड होती है, लेकिन यहाँ पर 5 ग्राउंड है तो ये EEPROM नहीं हो सकती। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो 93 सीरीज की EEPROM होती है
जो 93 सीरीज की ईपी रोम होती है वो उसकी पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है, और जो 24 है, 25 है, 95 है, इसकी पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है। तो 93 सीरीज की जो ईपी रोम होती है उसके अंदर पिन नंबर 5 ग्राउंड रहती है, इस बात को ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए, ठीक है, ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए। कि और अक्सर भाइयों कंफ्यूजिंग भी रहती है कि जब हम पीसीबी से निकालते हैं तो पीसीबी की जहां पर पिन नंबर 4 आती है, किसी ईसीएम में या इमोबिलाइजर में पिन नंबर 4 ग्राउंड कर रहा है, ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी आ रही है, वहां पर कहीं 5 में आ रही है, तो गलत ना लग जाए, एक रोम गलत ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि ईपी रोम के अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ नहीं होता है, कोई इंडिकेशन नहीं होता है कि पिन नंबर 1 ये है या ये वाली है। निकालने से पहले कोई निशान लगा लेते हैं कि ये वाली साइड यहाँ लगनी है, अगर कोई लगाने से भूल जाता है तब हम ग्राउंड की हेल्प लेके उसे लगाते हैं कि ये पिन नंबर 4 आ रही है तो 95 के नीचे पिन नंबर 1 है, 9 के नीचे 1 है, तो ये 4 इधर आ जाएगी। लेकिन जब 93 सीरीज की होती है तो वो पिन नंबर 5 होती है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जैसे ये वाला ईसीएम है और इस ईसीएम के अंदर ये ईपी रोम लगी हुई है इस जगह पर सीपीयू के बराबर। ईपी रोम को सीपीयू कंट्रोल करता है, ईपी रोम को सीपीयू कंट्रोल करता है, तो ये अधिकतर सीपीयू के पास ही लगी होती है, अधिकतर ये सीपीयू के पास में लगी रहती है। आप कई बोर्ड देख लीजिए, ये सीपीयू के पास ही लगी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो पिन नंबर 4 है ये ग्राउंड के लिए यूज़ में लाई गई है, पिन नंबर 4 ग्राउंड के लिए यूज़ में लाई गई है, ठीक है जी। ये ईपी रोम है, ग्राउंड के लिए पिन नंबर 4 यूज में लाई गई है, 24 सीरीज की है ये ईपी रोम आ गई, ये ईपी रोम आ गई, ये 93 सीरीज की ईपी रोम है, और 93 सीरीज में देखते हैं तो पिन नंबर 5 का यूज ग्राउंड के लिए किया गया है, पिन नंबर 5 का, पिन नंबर 5 93 में होती है, बाकी ज्यादातर पिन नंबर 4 ग्राउंड रहती है, 93 में पिन नंबर 5 ग्राउंड रहती है। और चाहे वो 93 सीरीज हो, 95 सीरीज हो, 24 सीरीज हो, इन सारी सीरीज के अंदर जो सप्लाई वाली पिन होती है, वीसीसी की पिन होती है, वो हमेशा पिन नंबर 8 मिलेगी आपको। यहाँ पर ज़्यादातर ईसीएम हो, इमोबिलाइजर हो, उन सब के अंदर यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई रिसीव होनी चाहिए, ये सप्लाई पावर आईसी से रिसीव होगी। अब सवाल ये होता है कि जैसे ये ईसीएम आ गया हमारे पास 1755 का ईसीएम, तो इसमें तो कहीं पर ईपी रोम दिख नहीं रही है, तो इसमें ईपी रोम कहाँ पर है? तो प्यारे भाई, जो जितने भी 17 सीरीज के ईसीएम आए, 17 सीरीज के ईसीएम आए, तो इनके अंदर ईपी रोम को एमसीयू के अंदर एम्बेडेड कर दिया गया है। जितने भी 17 सीरीज के एमसीयू आए हैं उनमें ईपी रोम को एमसीयू के अंदर ही एम्बेडेड कर दिया गया है। अब इस तरह के ईपी रोम को अगर रीड राइट करना है तो या तो के टैग वगैरह की हेल्प लेंगे, केटीएम बेंच की हेल्प लेंगे आप, और जो बाहर होती है लगी हुई ईपी रोम 8 पिन की, जैसे 16 सीरीज के ईसीएम में होती है, मैग्नेट मैरली में होती है, तो उसको हम निकाल कर फ्लैश प्रोग्रामर के जरिए से भी रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 17 सीरीज के अंदर ईपी रोम को एमसीयू के अंदर शामिल कर लिया गया है, जबकि 16 सीरीज हो, मैग्नेट मैरली हो या इमोबिलाइजर है, तो इनके अंदर सेपरेट ईपी रोम लगाई गई है।
93 सीरीज को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी सीरीज है 24 है, 25 है, 95 है, इन सब की पिन नंबर 4 ग्राउंड रहती है और पिन नंबर 8 सप्लाई की पिन होती है। 93 सीरीज होती है, इसकी पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 8 सप्लाई की पिन होती है। इसके डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डाटा करेक्ट हो गया है दूसरी फाइल डाल सकते हैं, इस काम में लिया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्द मुलाकात होगी किसी बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। हमारे समय क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी दूसरे वीडियो में जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। गुड बाय।